अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज बनाने वाली हूँ मटन मसाला। मटन मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप मटन लिया है, उसे 3 सीटी में गला लिया है। मैं थोड़ा ही ली हूँ क्योंकि 2 ही लोगों के लिए बनाना है। यहाँ पे मैंने आधा कप दही लिया है, तिल की बुकनी, ज़ीरा और राई की बुकनी, गरम मसाला और धनिया पाउडर, मटन मसाला, ये है खोपरे की बुकनी। यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई कर रही हूँ, प्याज को लाल होने तक फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे अब दही। दही को डाल के हमें अच्छे से मिलाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मिला लिया है। इसमें हम डालेंगे अब अदरक और लहसुन का पेस्ट। हल्दी, मिर्ची, मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसे हम ऐसे ही 5 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट्स हो गए हैं। इसमें हम अब डालेंगे मसाले। देखिए फ्रेंड्स, खोपरे की बुकनी, तिल की बुकनी, मटन मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा और राई की बुकनी। इसे हम अच्छे से मिलाना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं डालना है हमें, थोड़ा ही डालना है बस। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से भुन चुका है। इसमें हम अब डालेंगे हमारा जो बॉईल किया हुआ मटन है, वो डाल देंगे। इसे 5 मिनट तक रखूँगी। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट्स हो गए हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसे, फिर से थोड़ा सा नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं इसे ऐसे ही 5 मिनट के लिए रख दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट्स फिर से हो गए हैं। इसमें हम डालेंगे अब हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद देखिए किस तरह दिख रहा है। इस तरह से बन चुका है, इसे निकाल लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से मेरा मटन मसाला बन चुका है। बिल्कुल अचार जैसा टेस्ट होता है इसमें। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिए। इसमें ज़ीरा और राई रहती ना, इसलिए अचार जैसा है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।